दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चाहे 21 मई तक का अल्टीमेटम इस मामले को लेकर सरकार के सामने रखा गया हो, किसान संगठन खा पंचायतों की तरफ से खिलाड़ियों का समर्थन कर सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। और इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। खुद हरियाणा बीजेपी में अलग अलग सुर अलापे जा रहे हैं। कोई नेता अपनी तरफ से समर्थन करता है इन महिला खिलाड़ियों का, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो खुलकर खिलाड़ियों के खिलाफ हैं और कानून पर विश्वास रखने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला की तरफ से इन महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बयान दिया गया है। आदित्य चौटाला ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, अब इस मामले में खुलकर राजनीति हो रही है, यानी इस पूरे मामले को राजनेताओं ने हाईजैक कर लिया है और इसका मकसद सिर्फ राजनीति करना रह गया है। इससे पहले हमने देखा था विजेंद्र सिंह हो या फिर उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। गृहमंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन किया था, लेकिन हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला ने इस मामले में अपना रुख, अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि इस मामले को अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इस आंदोलन को इंसाफ का नाम दिया गया, लेकिन अब इस मामले में पूरी तरह से राजनीति हो रही है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मैटर बन चुका है। मुझे इतना इनकी तथ्यों की जानकारी तो नहीं है कि क्या इंसिडेंट अगर किस टाइम क्या क्या इंसिडेंट हुए, लेकिन मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया पे हम पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, तो ये राजनीतिक हाथों में चली गई है। और जब चीज़ें राजनीतिक हाथों में चली जाएँ तो मैं ये मानता हूँ फिर वो अगर बात ना भी हो तो उन बातों का एक पतंगण सा बन जाता है, जिसके तहत लोगों के अलग अलग विचार और अलग अलग लोगों की धारणा बन जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो तो समय आने पर ही पता लगेगा भी क्या बातें हैं, ठीक क्या नहीं। अब अगर कुछ गलत है तो उसको संज्ञान में रखना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चाहे 21 मई तक का अल्टीमेटम इस मामले को लेकर सरकार के सामने रखा गया हो, किसान संगठन खा पंचायतों की तरफ से खिलाड़ियों का समर्थन कर सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। और इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। खुद हरियाणा बीजेपी में अलग अलग सुर अलापे जा रहे हैं। कोई नेता अपनी तरफ से समर्थन करता है इन महिला खिलाड़ियों का, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो खुलकर खिलाड़ियों के खिलाफ हैं और कानून पर विश्वास रखने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला की तरफ से इन महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बयान दिया गया है। आदित्य चौटाला ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, अब इस मामले में खुलकर राजनीति हो रही है, यानी इस पूरे मामले को राजनेताओं ने हाईजैक कर लिया है और इसका मकसद सिर्फ राजनीति करना रह गया है। इससे पहले हमने देखा था विजेंद्र सिंह हो या फिर उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। गृहमंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन किया था, लेकिन हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला ने इस मामले में अपना रुख, अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि इस मामले को अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इस आंदोलन को इंसाफ का नाम दिया गया, लेकिन अब इस मामले में पूरी तरह से राजनीति हो रही है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मैटर बन चुका है। मुझे इतना इनकी तथ्यों की जानकारी तो नहीं है कि क्या इंसिडेंट अगर किस टाइम क्या क्या इंसिडेंट हुए, लेकिन मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया पे हम पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, तो ये राजनीतिक हाथों में चली गई है। और जब चीज़ें राजनीतिक हाथों में चली जाएँ तो मैं ये मानता हूँ फिर वो अगर बात ना भी हो तो उन बातों का एक पतंगण सा बन जाता है, जिसके तहत लोगों के अलग अलग विचार और अलग अलग लोगों की धारणा बन जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो तो समय आने पर ही पता लगेगा भी क्या बातें हैं, ठीक क्या नहीं। अब अगर कुछ गलत है तो उसको संज्ञान में रखना चाहिए।